हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, विराट का टाइम आ गया और कुंग फू पांड्या चाह गया। जी हाँ दोस्तों, आज मजा आने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाकिस्तान को कैसी हराया टीम इंडिया ने। धूल चटा दी भैया, मजा आ गया। शानदार जीत की शर्ट, ऐसे कारनामा कर दिखाया। हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाया तो महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई भैया, क्या बात है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भैया, आइए देखते हैं। मजा आएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भैया, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों के लिए मजेदार शानदार वीडियो आएंगी भैया, और क्रिकेट अड्डा की शर्ट मजेदार शानदार मिलने वाला है। और क्रिकेट अड्डा सड्डा में आपको ऐसी ही वीडियो मिलने वाली है क्रिकेट के साथ मजेदार शानदार। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाकिस्तान को कैसी हराया भाई, इतना बेइज्जत किया ना बता नहीं सकता भैया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भैया। कल भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धमाकेदार अंदाज में 5 विकेट से शिकस्त दी भैया। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में मिली जीत के साथ रोहित शर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और विराट कोहली को बराबरी कर ली भैया। सही बात है। चलिए अब मैं बताता हूँ क्या रिकॉर्ड बनाया है रोहित शर्मा ने और छोड़ दिया विराट कोहली को पीछे भैया। विराट कोहली ने बतौर कप्तान भारत के लिए 50 मैचों में कप्तानी की, जिसमें टीम इंडिया को 30 मैचों में जीत मिली। पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करते ही रोहित शर्मा ने कोहली की बराबरी कर ली। रोहित शर्मा ने 36 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है, जिसमें उन्हें 30 मैचों में जीत मिली है और 6 मुकाबलों में हार मिली है भैया। रोहित शर्मा अब T20 क्रिकेट में विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सफल कप्तान बन गए हैं भैया। सही बात है। भारत के लिए सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया को 41 T20 मैचों में जीत मिली है। दोस्तों भैया, कुछ भी हो, विराट कोहली और MS धोनी का कोई बराबरी नहीं कर सकते। तो वहीं धमाकेदार जीत पर PM मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के कुछ ही मिनटों बाद ट्वीट कर कहा कि टीम इंडिया ने आज एशिया कप 2022 के मैच में शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने जबरदस्त टैलेंट और टेम्परामेंट का प्रदर्शन किया, उन्हें जीत पर बधाई हो। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा कि टीम इंडिया ने एशिया कप में शानदार शुरुआत की है, वहीं बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा, इस शानदार जीत पर टीम को बधाई हो। और दोस्तों आपको क्या लगता है एशिया कप 2022 में कौन जीतेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भैया, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों के लिए मजेदार रोजाना शानदार ऐसी ही वीडियो मिलने वाली है।